देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष बना हुआ है और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसी बीच जोधपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर लड़कियों से चूल्हा जलाकर रोटियां बनाई और प्रदर्शन किया। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर गैस टंकी को माला पहनाई और चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई से आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार चुप बैठी है। आज 5 तारीख को जोधपुर कलेक्ट्रेट के अंदर सभी महिलाएं रसोई गैस की बढ़ती हुई दाम के खिलाफ में आज यह प्रदर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है। जिस तरीके से मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में डीजल के और रसोई गैस के दाम दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर आम जनता के ऊपर, आम गृहिणियों के ऊपर पड़ रहा है। जिस तरीके से आज रसोई गैस 850 के करीब पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पास पहुँच चुका है, हम लोग किस तरीके से अपना घर चलाएँ, किस तरीके से अपने बजट को तय करें। कोरोना वायरस के चलते आज पूरे देश और दुनिया के अंदर बेरोजगारी का आलम है, सारे व्यापार ठप पड़े हैं। इस सब के बावजूद मोदी सरकार बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं रखते हुए लगातार जो दाम बढ़ा रही है, इससे आम जनता परेशान है। आम लोगों का बजट हिल चुका है, महिलाओं को सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से वो पेट्रोल डीजल के साथ में अपनी गृहस्थी को संभालते हुए, क्या वो बाजार ना जाए, क्या वो बच्चों को स्कूल लेने ना जाए, क्या उनके पति अपने काम काजी इलाकों में ना जाए। जिस तरीके से गैस के दाम बढ़े हैं और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की वजह से सब्जियां, रसोई का राशन सब कुछ महंगा हुआ है, क्योंकि सब कुछ आज ट्रक्स के अंदर आता है जाता है, तो इस सब के चलते हुए जो महंगाई की मार है उससे आम गृहिणियां परेशान है और चाहती है कि मोदी सरकार संवेदनशीलता रखते हुए इन दामों को कम करे, और अगर दाम कम करने के लिए वो सक्षम नहीं है तो इस्तीफा दे दे। आखिर इस देश की जनता कब तक इस तरीके से, अब तो नौबत ही आ गई है कि ये कच्चा आटा खाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से लकड़ी पर चूल्हा जलाकर काम करना कहां तक मान्य है। तो हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार होश में आए और इस जनता को इस महंगाई से राहत। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा पहुंच गई है। ऐसे में आम जनता का जीना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक ओर जहां बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है, तो वहीं विपक्ष भी अब केंद्र सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन कर रहा है। पंजाब के सी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।